शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से सबको जितने भी बुरे ख्याल आ रहे थे अब सब खत्म, क्योंकि हमारा हनुमान घर वापस आ गया। अब और कुछ नहीं चाहिए बेटा, मुझे आपको पार्क में भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर आज आपको कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, खुद से कभी नजर नहीं मिला पाता। इतना छोटा बच्चा खुद अपने आप घर आ गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। लगता है आप पे भगवान का आशीर्वाद है जो कोई अनहोनी नहीं हुई। बेटा अब आप अपने कमरे में जाओ, मैं आपसे थोड़ी देर में आके मिलती हूँ। अब मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे अरे हमारे प्यारे से लड्डूराम, हम आपको भूखा कैसे रहने दे सकते। आपको लड्डू बहुत पसंद है ना, तुम्हारे लिए बहुत सारे लड्डू लेकर आते। थैंक यू बुआ दादी। खिलाइए खिलाइए बुआ जी, घर का सारा राशन इन्हीं के लिए तो लेकर आए हैं, क्योंकि पंडित जी का तो कुछ अता पता नहीं है कि वो कब आएंगे, कब इस बच्चे को लेकर जाएंगे। दो दिन के लिए आए हुए मेहमान घर में टिक जाते हैं। ये तो तुमने एकदम सही कहा कीर्ति, कुछ मेहमान है हमारे घर पे जो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। जितने चाहे मर्जी धक्के मार लो उन्हें, पर नहीं, टस से मस नहीं होंगे यहाँ से, है ना कीर्ति? बेटा आप मेरे साथ चलो। आखिर ये बच्चा लौटा कैसे, वो भी बिना किसी खरोच के? कौन लेके आया इसे, और मेरे आने से पहले ये घर कैसे पहुंचा? बैठो बेटा, आप घर अच्छे से पहुंच गए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आप ना यही बैठो, मैं आपके लिए कुछ फल और आपका मनपसंद लड्डू लेकर आती हूँ। झूठ, सच सच बताओ तुम्हें यहाँ पे कौन लेकर आया? आप मुझे डांट क्यों रहे हो? आप तो मुझे लेकर आए थे, गद्दी वाली लड़की सब भूल जाती है। मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है। पहले मैंने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी, फिर तुम्हें बीच सड़क पे छोड़ा ताकि तुमसे पीछा छुड़ा सकूं। मुझे ऐसा लगता था कि कम से कम छोटे बच्चे के लिए तो तुम्हारे मन में इंसानियत बची होगी, मगर नहीं रोशनी, मैं गलत थी। एक छोटे बच्चे को तुमने बीच सड़क पे छोड़ दिया, उसे मरने के लिए। तुम्हारी आत्मा नहीं काफी? अरे तुम नहीं जानती हो, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, और घर में भी इसने जीना हराम कर रखा है मेरा। रोशनी, जितना कुपर तुम्हारे शरीर पे लगा है ना, उससे कई ज्यादा तुम्हारे मन में लगा है। घिन आती है मुझे तुमसे। जुबान संभाल के श्रद्धा। जुबान और हरकतें तुम अपनी काबू में रखो रोशनी। अगर हनुमान को तुमने दोबारा चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी ना, तो तुम्हारे दिन खत्म हो जाएंगे रोशनी। We'll be right back.
बेटा आओ इधर बैठो। बेटा आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? रोशनी ने आपको मारा, आप ठीक तो हो ना? अच्छा लड़ती आपको ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये ले आपका मनपसंद लड्डू। हाँ रोशनी अगर इस हद तक चली गई है तो अब उसे कोई नहीं रोक सकता। जितना उसे मैं जानती हूँ वो अब भी कुछ बुरा और पहले से बड़ा प्लान कर रही है। प्लान क्या है तुम्हारा? इस लड्डू से हमें बहलाने के अलावा इस वक्त हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया? अरे चुप क्यों है आप दोनों, बोलिए। वो जब मैं हनुमान को लेकर बाहर गई थी ना तो मुझे वहां एक साधु मिले थे। उन साधु के चेहरे पे ना एक अलग ही तेज था। उन्होंने जब मेरा चेहरा देखा ना तो मेरी जिंदगी के सारे पन्ने खोल दिए थे। उन्हें ये भी पता चल गया कि मैं जहाँ रहती हूँ वहां देवी का वास है और मुझ पर उनका आशीर्वाद। ये तो बहुत अच्छी बात है ना? तो तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जहाँ देवी रह रही है ना वहाँ संकट भी है और उन संकटों से देवी हमेशा दुखी रहती है। और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि देवी बहुत नाराज हो जाए और हो सकता है कि प्रलय भी आ जाए। तो उन्होंने कोई उपाय बताया कि नहीं? देवी को खुश करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक प्रण लेना होगा, इसीलिए मैंने 501 गरीबों को खाना खिलाने का प्रण लिया है। क्या 501? हे भगवान वो कुछ ज्यादा नहीं है? लो बताओ भाभी, रोशनी ने प्रण लिया है। रोशनी ने तो छोटा मोटा लंगर थोड़ी ना रखेगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी बहाने ना तुम्हारे पिछले सारे पाप धुल जाएंगे। 501 गरीबों को खाना खिलाओगी तुम तो घर में 10 लोग का खाना नहीं बना पाते हो, उसमें भी तुम्हें परेशानी होती है। तो हमारा मतलब है 501 लोगों का खाना तुम कैसे बनाओगी अकेले? हे भगवान ये तो मैंने सोचा ही नहीं और प्रण ले लिया। मैं तो बस देवी श्रद्धा को खुश करना चाहती थी। कहीं गलती से खाना गड़बड़ हो गया तो कुछ गलती हो गई मुझसे तो लोग बुरा मान जाएंगे ना? नहीं 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 अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम देवी श्रद्धा का नाम खराब होने दे ही नहीं सकते हैं। एक काम करेंगे, हम खुद ही सबका खाना बनाएंगे। हाँ ये तनुजा आप अकेले नहीं, हम भी आपके साथ खाना बनाएंगे। और हम हमें भूल गए ना आप लोग? अरे आपको कौन भूल सकता है। तुम्हें दर्द देने के लिए अब तुम्हारे घर वालों को तकलीफ देनी होगी मुझे श्रद्धा। देखती हूँ कैसे अपनी दोनों सास को रोकोगी जब वो 501 लोगों के लंगर के लिए पूरी रात अपनी कमर घिसेंगी। अरे 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 लीजिए भाभी, हम सब्जी के थैले को खाली करके सारी सब्जियां ले आए। इस वक्त जितनी भी सब्जियों का जुगाड़ हो पाया हम ले आए। कोई बात नहीं, शुरू करने के लिए इतना काफी है, बाकी हम देख लेंगे। अरे अरे हमारी दोनों भाभियां, हम हैं, हम भी आप लोगों की मदद करेंगे। 501 लोगों का खाना बनाना है, अगर 6 हाथ हम एक साथ मिलके काम करेंगे तो सुबह तक भोग तैयार हो जाएगा। अरे 501 हो या 5001 हमारी देवी श्रद्धा के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने हमारे परिवार को इतनी मुश्किलों से बचाया है तो हम उनकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हमें तो पुण्य कमाने का एक और मौका मिला है। और वैसे भी तनुजा
आपने और हमने मिलके 250 लोगों का खाना तो बना ही लिया होगा आपकी शादी के वक्त, याद है आपको? अरे हाँ भाभी, बहुत अच्छे से याद है। हमारे जमाने में 250 लोग 500 लोग के हिस्से का खाना आराम से चट कर देते थे। अरे ऋतु, हम दोनों पहले से अनुभवी हैं। अरे ये सब आराम से हो जाएगा। ये उन दिनों की बात है ना, जब हमारी दोनों भाभियाँ बिल्कुल हमारी तरह जवान हुआ करती थी। कुछ भी कहती रहती है। चलो अब तमाशा शुरू करते हैं। देवी श्रद्धा को भी तो अपने भक्तों की मेहनत देखने का मौका मिले। मौका ही नहीं मिला आज एक पल के लिए भी चैन की सांस लेने का। थोड़ी देर सो जाती हूँ। श्रद्धा, यहाँ आप विश्राम कर रही हैं और वहाँ आपके भक्त। मैं तो भूल ही गई थी रोशनी, जब तक तुम इस घर में हो मेरी सरदर्द तो कभी खत्म ही नहीं होगी। साफ साफ कहो ना, अब क्या किया है तुमने? मैंने वहाँ तुम्हारी दोनों बूढ़ी सास और तुम्हारी बुआ जी तुम्हारी भक्ति में अपनी कमर तोड़ रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? 501 लोगों का खाना बना रही है वो। पर क्यों? क्योंकि मैंने कहा। नफरत ने ना तुम्हें पागल कर दिया है रोशनी। वो इतना खाना बनाएंगी बीमार पड़ जाएंगी वो। शर्म करो, तुम एक डॉक्टर हो, लोगों को बचाने की बजाय तुम उन्हें और बीमारी की तरफ ढकेल रही हो। अब ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, ये कमर का दर्द तो कभी 5 मिनट आराम से भी बैठे हो ना तो भी उठता है। हमारी ना अम्मा कहा करती थी कि अगर मिर्ची काटते वक्त आंख से आंसू बहने लगे तो समझो आपकी आंखें साफ हो गई। आलू भी कर देते हैं। अरे नहीं पाएगा। अब हम एक काम करते हैं, हम तेल चढ़ाना शुरू करते हैं। हाँ मम्मी जी, तनुजा संभालिए अपने आप को। आपको लगे तो नहीं आप ठीक है ना? देवी श्रद्धा के होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आप लोग ये सब क्या कर रही हैं? चाहिए और जाके सोइए, आराम कीजिए, इतनी रात हो गई है। अरे देवी श्रद्धा, 501 लोगों के लिए खाना बनाना है, अगर पूरी रात करेंगे तब जाके सुबह को तैयार होगा। 501 लोगों का खाना? आप लोग अपने कमरे में जाइए, मैं ये सब कर दूंगी। कैसे कर सकती है ये? अरे हम भक्तों के रहते देवी श्रद्धा कैसे काम कर सकती है? आपके नाम का भोग हम आपसे ही बनवाए? नहीं नहीं, हमें पाप चढ़ेगा। हम तीनों है ना, हम मिलके कर लेंगे। आप जाकर विश्राम कीजिए,
इनकी इज्जत को तोड़ने का एक ही तरीका है। अब देवी श्रद्धा का आदेश है आप लोगों के लिए कि आप सब अभी के अभी अपने कमरे में जाएंगे और सोएंगे। आप लोग मेरे आदेश का पालन भी नहीं करेंगे क्या? भोग का खाना आप सबको सुबह तक तैयार मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं, जाइए। जानती थी आखिर में ये बोझ तो तुम ही उठाओगी। जी बहुत परेशान किया था ना घर के काम करने में, अब तुम देखो मुझसे उलझने का नतीजा क्या होता है। जब तक ये सब्जी पक रही है तब तक पूरी बनाने के लिए आटा गूंद लेती हूँ। आटा कहाँ है? अच्छा, भगवान ये पूरा आटा तो गिर गया। इसे साफ करना पड़ेगा। कपड़ा का कपड़ा शायद बाहर होगा। हम दोनों को रसोई में बहुत घिसवाया था ना इसने। अब देखना आएगा मजा। रुको, क्या है ये? तो तुम क्या करने जा रहे हो? ये कुछ भी नहीं है, बस हल्का सा उसे कमजोरी और बुखार आएगा जिससे वो काम नहीं कर पाएगी। हम यही तो चाहते हैं ना रोशनी? काम ऐसे भी पूरा नहीं होगा। 501 लोगों का खाना बनाना दीदू के लिए आसान नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। थकान ऐसे भी आ जाएगी उन्हें। तुम्हारा ये तुम्हारी बहन के लिए प्यार
मुझे पता था एक दिन मुझ पर भारी पड़ेगा, इसलिए मैं अब पहले से ही तैयार रहती हूँ। पर ये तो तुम पूछना ही भूल गई कि ये कमजोरी और बुखार कैसे होगा। इस केमिकल से पहले सांस फूलेगी, फिर सर चकराएगा और उसके बाद हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे। और इस केमिकल की दवाई ना मिलने पे हो सकता है कि देवी श्रद्धा स्वाहा श्रद्धा हो जाए। स्वाहा। क्या अजीब सी महक क्या है? थुन्ना थुन्ना सा क्यों लग रहा है? श्रद्धा, श्रद्धा को तलाक दे दो। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा ना तो वो अपनी सांसें छोड़ देगी। तुझे तुम्हारे प्लान में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं श्रद्धा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं श्रद्धा को तलाक नहीं दूंगा। उसने एक ऐसा केमिकल सूंघा है जिससे पल पल उसकी सांसें फूलती रहेंगी और कुछ ही पल में उसकी सांसें बंद, हमेशा हमेशा के लिए। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।